ये कोई आज की बात नहीं है, हर साल ऐसा होता है। जब भी बिग बॉस आते हैं तो बवाल तो बहुत सारा मचाते ही हैं, अलग अलग कंटेस्टेंट्स होते हैं, अलग अलग रायट्स होते हैं, अलग अलग लड़ाई झगड़े। लेकिन एक चीज़ जो नई हुई है वो है, पहली बार घर के अंदर लिटरली किसी को चोक किया गया है, गला दबाने की कोशिश की गई है ऑन अ लेजिट नोट। इस वक्त मैं आपको बताने आ गई हूँ कि आखिर इंडस्ट्री का इस पर क्या रिएक्शन है। देखिए बिग बॉस, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ऐसा शो है जहाँ पर घर के अंदर तो घरवासी लड़ ही रहे होते हैं, लेकिन बाहर भी एक अलग ही दुनिया चल रही होती है और बाहर सब अपना अलग ही बिग बॉस खेल रहे होते हैं। बाहर भी इतने ओपिनियंस आपको देखने को और सुनने को मिलेंगे, कई सारे ओपिनियंस एक्स कंटेस्टेंट्स के होते हैं, कई सारे ओपिनियंस जनता के होते हैं, व्यूअर्स आप लोगों के होते हैं, हमारे भी होते हैं, और फिर जो सेलिब्रिटीज जो खुद बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं उनके भी होते हैं। चलिए मैं आपको इस वक्त बताती हूँ कि घर के अंदर जो वाकया हुआ, उस पूरे वाकये में आखिर इंडस्ट्री किसके सपोर्ट में है, अर्चना को सपोर्ट मिल रहा है या शिव को। हार्ड कोर तरीके से दोनों ही इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, ना शिव बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया है, ना ही अर्चना ने इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम किया है। तो इंडस्ट्री का जो रिएक्शन निकल कर आ रहा है वो प्योरली इस बेसिस पर निकल कर आ रहा है जो देखने को मिला है एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस। चलिए मैं आपको बताती हूँ। येट अगेन वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि बिग बॉस के घर के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स अर्चना के अगेंस्ट हैं। प्रियंका, अंकित अर्चना के भले ही दोस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अर्चना ने किया उस चीज़ पर वो काफ़ी भड़क रहे हैं। उनका भी ये मानना है कि अर्चना ने जो किया वो बहुत गलत किया। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त फैजल खान, जी हाँ, सबसे पहले तो फैजल खान का ट्वीट मैं आपको बताती हूँ। फैजल खान, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप इनको देखते हैं गरुड़ शो में, जी हाँ, एज गरुड़। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत डांस इंडिया डांस रियलिटी शो से ही की थी। सो ऐसे में फैजल लिखते हैं, आई यूज टू लाइक अर्चनाज गेम बट आफ्टर वॉचिंग रिसेंट एपिसोड ऑफ बिग बॉस 16 खुद पर शक हो गया अब तो। जी हाँ, यानी कि इन्होंने तो अपना साइड, अपना पक्ष क्लियर कर दिया है और कह दिया है कि मैंने पहले उसको सही समझा था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। आगे राजीव अदातिया, जो कि कॉन्स्टेंटली अर्चना के एडमायरर रहे हैं, एडमायरर नॉट इन द फॉर्म ऑफ की फैन बन गए हैं, लेकिन इस बात के लिए एडमायरिंग लगती हैं अर्चना उन्हें, क्योंकि वो घर के अंदर इकलौती ऐसी बंदी है जो कुछ तो कर रही है। सो मैं आपको बता दूं कि राजीव अदातिया जो है वो कहते हैं बिग बॉस के घर में इन बिग बॉस 13, 14 एंड 15 लोग कितना फिजिकल हुए हैं। येस आई अग्री, अर्चना इज रॉन्ग, येस शी शुड हैव कंट्रोल्ड हर सेल्फ, हाउएवर इफ एवरीवन एल्स गेट सेकंड और थर्ड चांसेस देन व्हाई शी शुड नॉट आल्सो गेट। आई एम नॉट सेइंग शी इज राइट बट आई एम सेइंग शी डिड रॉन्ग बट सो डिड अदर्स एंड दे गॉट चांसेस। यानी कि चाहे सिद्धार्थ हो, चाहे आसिम हो, चाहे उमर हो, चाहे करण कुंद्रा होते, शमिता ने भी धक्का दिया था राखी को, फिर आप कह लीजिए चाहे दिवलीना हो, यू नो, और फिर बिकॉज 13, 14, 15 कई ऐसे सीजन्स निकले हैं यार, मतलब सबने धक्का मुक्की की है और प्रतीक ने भी की है, तो ऐसे कोई सीजन नहीं है जहाँ पे धक्का मुक्की नहीं होती है। लेकिन हाँ, अर्चना ने जो किया वो बहुत एक गलत नोट पर था, मैं भी ये पर्सनली मानती हूँ। और हालांकि राजीव का ये कहना है कि अर्चना को एक चांस मिलना चाहिए था। विशाल कोटियान, जो काफी कॉन्स्टेंटली वोकल रहते हैं अपने चीजों पर, विशाल कहते हैं अकॉर्डिंग टू अर्चना गौतम कॉलिंग समवन कुत्ता इज कूल बट कॉलिंग समवन डांसर इज डेरोगेटरी। आईड बी प्राउड इफ समवन कॉल्स मी अ डांसर, लव द वे बिग बॉस शोड हर प्लेस टू हर। जी हाँ, यानी कि इन्होंने भी अर्चना को गलत ही कहा है, इनके हिसाब से भी अर्चना काफी ज्यादा गलत है और वो गलत ही नजर आ रही है। दिवलीना भट्टाचार्य जी भी नजर आई, सामने आई थी, और उन्होंने भी कहा कि अर्चना ने माना कि गलत किया है, लेकिन हाँ शो से निकाल देना मुझे नहीं लगता, उन्हें वार्निंग्स मिलनी चाहिए, उन्हें कोई सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें शो से नहीं निकालना चाहिए। सो ये है इंडस्ट्री के कुछ पॉपुलर नाम, इन्होंने पक्ष रख दिया है अपना, अब पक्ष सफाई से रखा है या पक्षपात हुआ है ये तो आप ही बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में।